क्योंकि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं, उधर योगी जी भी हट सकते हैं। सरकार भीख मंगी सरकार है, उससे भीख मांग, उससे भीख मांग, उन्होंने कहा ना 25 साल भीख मांगी, तो वही उससे भीख मांग, उससे खरीद पोकर कर। नमस्कार, मैं शरण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी हैं, जो आप इनको जानते हैं सुनते हैं, ये एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है। जिस तरह से 2024 का चुनाव देखा गया लोकसभा का, उसके बाद यूपी में 10 विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पे, आप उसको कैसे देखते हैं। देखिए, आपका ये चैनल जनहित आवाज़ है ना, तो आप जनहित की बात करना, जनहित आवाज़ है ना, तो जनहित आवाज़ करना, जनहित लोगों की आवाज़ करना, देश के लोगों की आवाज़ बनो, मोदी की आवाज़ मत बनना, मोदी जी की आवाज़ मत बनना, देश के लोगों की आवाज़ बनो। पहले क्या हुआ, मोदी जी के 140 करोड़ लोग आवाज़ हैं, मोदी जी की 140 करोड़ की आवाज़ नहीं है, दरकिनार धसते जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर, धरातल के अंदर जा रहे हैं। पहले 43 सीट ले गए ना लोकसभा की, उथल पुथल हुए हैं, घबराए हुए हैं सारे, पूरे बीजेपी घबराए, इनका सौर मंडल सारा हिला जुला हुआ है, कैसे हुआ। उसके बाद फिर 13 सीटों पे हुए, 11 सीट फिर ले गए इंडिया गठबंधन, उससे ये और घबरा गए, घबराए हुए हैं पूरी तरह से, डरे हुए हैं। अब चुनाव जो होंगे ना, उसमें सूफड़ा साफ है, अभी फिर उपचुनाव होने ना, बिल्कुल सूफड़ा साफ है। देखिए, दो बार ही लोगों ने कहा ना, चल 43 सीटें ले गए अखिलेश यादव और राहुल जी इंडिया गठबंधन मिल के, फिर 13 में से 11 सीटें ले गए, अब सूफड़ा साफ हो जाएगा। ये हरियाणा में भी यही होने वाला, हरियाणा में लेकिन बात की जा रही उत्तर प्रदेश के, जो बीजेपी का कोई एमपी बने, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आप शायद भूल रहे हैं। बड़े अच्छे डबल इंजन है शर्मन जी, कैसी बातें कर रहे हो, देख रहे हो ना डबल इंजन चल रहे हैं, देखा झारखंड में डबल इंजन की रेल पटरियाँ हो गई, उड़ीसा में हो गई, कितने डबल इंजन के डबल इंजन चल रहे हैं, लेकिन पटरियों से उतर रहे हैं, पटरियों से उतर रहे हैं डबल इंजन, शर्म नहीं आती। रेल मंत्री अभी बना बैठा है, अभी भी बना बैठा रेल मंत्री, डबल इंजन उतर रहे हैं पटरियों से, लेकिन वो कहता नहीं मैं तो रेल मंत्री हूँ, इस्तीफा देना, कितने लोग मर गए, शर्म करो, बेशर्मो शर्म करो, ये है, ये है विकसित भारत, औरत को जिंदा गाड़ रहे हो, औरतों को मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई लिया एक्शन लिया, प्रधानमंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, गवर्नर बोले, वहाँ के औरत को, औरतों को जिंदा गाड़ रहे हो, अपने हक की लड़ाई के लिए मांग रहे हो, उनको जिंदा गाड़ रहे हो, यह है विकसित भारत, यह है विकसित भारत आपका। मोदी जी नहीं होते ना तो 80 करोड़ लोग भूखे मर जाते हैं, मोदी जी तभी ये तो औरतों को जिंदा गाड़ा जा रहा है ना, मोदी जी हैं तो औरतों को जिंदा गाड़ोगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बोला भाई ये क्या हुआ, शब्द निकला मुँह से एक भी कि मतलब ने औरतों को जिंदा क्यों गाड़ा, इसकी हकीकत दो, मुझे भेजो, कोई लिया एक्शन, गृहमंत्री को लिया एक्शन, वहाँ के गृहमंत्री ने लिया एक्शन, आपको शर्म नहीं आती, औरतों को जिंदा गाड़ा मेरे से सवाल कर रहे हो कि मोदी जी ऐसे, हमें मोदी जी ऐसे नहीं चाहिए, मोदी जी देश के आवाज़ हैं, आप मोदी जी को तमाम आवाज़ नहीं, मोदी जी आवाज़ नहीं है इस देश की, देश की आवाज़ को दबदबन कर रहे हैं, बातें कर रहे हो, किसको मानते हैं आप इस देश की आवाज़ है, राहुल गांधी, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये है नेता, देश की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। ये तो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म कौन की बात कर रहे हैं, धर्म की, ये बात उल्टी बात मेरे से पूछ रहे हो आप, धर्म की राजनीति, ये संसद भवन में देखे नहीं कौन धर्म की बात कर रहा है, बात तो यही करते हैं, हिंदू की बात, मुस्लिम की बात ये करते हैं, अभी ताज़ा उदाहरण आपका उत्तर प्रदेश में, कौन करता है धर्म की बात, सुनिए, धर्म के नाम पे लूट ये करते हैं, धर्म के नाम पे झूठ ये बोलते हैं, धर्म के नाम पे ये डफरे ये फैलाते हैं, 10 लाख का सूट और 2 लाख का बूट पहन के धर्म की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जन की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जन की राजनीति, आप गलत बोल रहे हैं, जन की राजनीति इंडिया गठबंधन करता है, लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में रोज अब सुनने को मिल रहा है, आप देख रहे हो ना, जाते हो धर्म में बांटने की राजनीति करते हैं इंडिया गठबंधन वाले, ये देखा ना गन्ना की बात करी इन्होंने, करी ना 140 करोड़ का अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, 140 करोड़ की बात करते हैं, आप पत्रकार है, झूठी बात मेरे से मत करो, आपको मैं मानता हूँ आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, आप जनहित आवाज है ना, तो जनहित की बात करो, आप ऐसे ही मिनिस्ट्री मीडिया को भी बदनाम किए हैं आप लोग, आप मोदी की बात मत करो, जनहित की बात करो, जनहित की आवाज है, तो जनहित तो मिनिस्ट्री मीडिया को भी कहते हैं कि ये लोग बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, मनु मीडिया है, कैसे आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया को, मैं कहूंगा गोदी मीडिया, सीना ठोक के कहूंगा, गोदी मीडिया ने दिखाया, देखा कैमरे में औरतों को गाड़ते हुए, दिखाया कैमरा क्या, वहाँ
वहाँ एंकर क्या कि औरत जिंदा गाड़ी जा रही है। देश की प्रधानमंत्री की बात वो करेंगे तो आप कह देंगे गोदी मीडिया है। अरे मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, आप बात कहाँ ले जा रहे हो। मैं आप कह रहा हूँ गोदी मीडिया क्या है, और जिंदा औरतों को गाड़ा दिखा रहे हैं एंकर कई जगह पे, यहाँ औरतों को जिंदा गाड़ा, यहाँ औरतों को जिंदा गाड़ा दिखाया। नहीं, डरपोक कमजोर सरकार, निकम्मी सरकार, समझ गए। मध्य प्रदेश का भी, केंद्र की सरकार निकम्मी। आप सुनिए, देश जागृत हो चुका है, विश्व में डंका बज रहा है, पाकिस्तान और चीन थर थर कांप रहा है। आप कह रहे कि डरपोक और कमजोर सरकार है। मोदी जी कांप रहे हैं ना, उनकी पार्टी हारी है ना, वो खुद डरे हुए हैं कि मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं। आप चाइना विदेशों की बात मेरे से मत करिए। आप लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है। शरवण जी मेरी बात तसल्ली से सुनिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, विदेश नीति पे मैं बात नहीं कर सकता, छोटा सा। आप बात करिए, मैं कह रहा हूं मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं, उधर योगी जी भी हट सकते हैं। आप इसकी बात करिए तो अभी सुपड़ा साफ होने वाला है, देश के लोग जागृत हो गए। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व से काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार उनकी गिरने वाली है। अभी भाई आपने योगी जी का बयान सुना ना, आईटी से वो कह रहे हैं जी हमने वो गैंग रेप का एनकाउंटर किया। आईटी सेल वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, आईटी सेल वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, वो तो मोदी जी के प्रचार में गए हुए थे, मोदी जी का प्रचार के देश प्रदेश से। नहीं बीच में मत बोलो, मोदी जी का वो आईटी सेल वाले मोदी जी का प्रचार करने पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया वो आईटी सेल। भ्रम फैला रहे, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, पूरे देश में आज आतंकवाद मुक्त भारत बन चुका है। सबसे ज्यादा आतंकवाद इन्होंने फैलाया, भ्रष्टाचारी पार्टी है, इन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया। इस देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इस देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारियों को लिया। आप लोग भ्रष्ट करते आ रहे हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी उनके कार्यकाल चल रहे हैं, पूरा अच्छा से देश फल फूल रहा है, पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं, लेकिन बार बार आप लोग उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। थोड़ा सा कैमरा आगे लाइए, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मोदी जी की सरकार भीख मंगी सरकार है, उससे भीख मांग, उससे भीख मांग, उन्होंने कहा ना 25 साल भीख मांगी, तो वही उससे भीख मांग, उससे खरीद पोकर कर, तो ये सरकार कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। वेट एंड वॉच, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा राहुल गांधी जिंदाबाद। तो चलिए, ये अरुण मलिक जी थे जो पेशे से राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में काफ़ी जानकारी लगते हैं, और इन्होंने इनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।